बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक सबको। वेलकम बैक टू बिस्नाफ। इनू 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 क्या हुआ बेटा? इनू इनू अम्मा को देखो, क्या हुआ? इनू क्या हुआ आपको? सर्दी लग रही है? सर्दी लग रही है? और यहाँ मैं बच्चों को जो है वो ऑयलिंग कर रही थी ताकि ये ऑयलिंग करने के बाद जो है वो आराम से शावर ले लें। ठंड काफ़ी थी, काफ़ी ज़्यादा ठंड थी कि बच्चे जो है ना वो बहुत जो है वो घबरा रहे थे। गर्म ठंड बहुत ज़्यादा है तो वो एक पानी भी गर्म होता है तो बच्चों को एहतियात से लानी पड़ती है। मैं वीक में एक दफ़ा बच्चों को जो है वो बच्चियों को ऑयलिंग जरूर करती हूँ क्योंकि बच्चियों के लिए ज़रूरी है, उनकी बालों की ग्रोथ के लिए जो है वो ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं याद से जो है फ्राइडे को या संडे को या वीक में ट्वाइस अ वीक जो है वो मैं कर देती हूँ इनको ऑयलिंग। तो बस मैं यहाँ ऑयलिंग वगैरह करके जो है बच्चों को जो है वो शावर दूँगी और इसके बाद बच्चे जो है वो नमाज़ वगैरह पढ़ के फारिग होके अपने ट्यूशन के लिए चले जाएँगे और ट्यूशन से आके जो है फिर वो जो है अपना जो है ब्रेकफास्ट तो कर चुके हैं और लंच भी जो है करके जाएंगे। तो आके जो है थोड़ा बहुत जो रिफ़्रेशमेंट होगा या तो मैं बनाऊंगी या फिर जो है मैं वहाँ से मंगा लूँगी कोई रिफ़्रेशमेंट। तो ये है कि उसके जो है रिफ़्रेशमेंट करने के बाद जो है बच्चे फ्री हो जाएंगे। और ठंड काफ़ी ज़्यादा थी तो बच्चे जो है नहाने के बाद ऐसा लग रहा था स्टैचू हो गए हैं मेरी। चोर चोर चीज़ें चोरी हो रही हैं, क्या निकल रहा है, क्या निकल रहा है? इतना क्या कर रही हो? केक उतार केक उतार रही हो? क्यों क्यों कितना खाती हो? इसना इधर तो देखो, क्या कर रही हो? मैं चोरी कर रही हूँ। चोरी क्यों कर रही हो? मम्मा से परमिशन लेकर लेना था ना, मम्मा से पूछो। कैसे पूछती हो? मम्मा मुझे चीज चाहिए। नहीं, आप कैसे पूछती हो? शॉप पे लाने के लिए, शॉप से लाने के लिए। मम्मा मम्मा आई वांट दिस। कभी कभी बच्चे इतनी प्यारी प्यारी हरकतें करते हैं कि बस दिल करता है कि उनकी छोटी अपने पास जो है वो स्टोर कर लाए। तो बस मैंने ये इनका क्लिप जो है बहुत अच्छा ये बोली थी कि मैं चोरी कर रही हूँ तो मैंने वो क्लिप इनका रिकॉर्ड कर लिया। बाकी फिर ये शाम में हस्बैंड आ गए थे तो समोसे लेकर आ गए थे। आज काफ़ी दिन बाद समोसे मंगवाए थे मैंने, तो बच्चे और हम जो है बैठ के जो है ये इंजॉय कर रहे थे। बच्चों को ठंड काफ़ी लग रही थी कि मैंने उनको फिर सोफे पे भी जो है उनको ब्लैंकेट दे दिया ताकि बच्चे जो है आराम से जो है वो अपना रिफ्रेशमेंट कर लें। उसके बाद हस्बैंड ने यहाँ तक हलवा रेडी हो गया और फिर मुझे बनाना था ग्रीन मसाला कढ़ाई, जिसके लिए जो है मैंने धनिया पुदीना जो है आदि आदि जो है हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने 5 से 6 ले लें और आधा नींबू ले लें, 1.5 टी स्पून जो है वो बनाना, 1/2 टी स्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ले लें और 1 चम्मच पीसी हुई काली मिर्च ले लें और नमक 1 टी स्पून ले लें और दही जो है वो आप 300 ग्राम ले लें और जो है इसके बाद जो आप धनिया पुदीना को ग्राइंडर में डाल के और दही को डाल के आप उसको ग्राइंड कर लें और ग्राइंड करने के बाद जो है आप इसको एक बाउल में जो है वो शिफ्ट कर दें। अच्छा, यहाँ मैंने जो है चिकन जो है वो 750 ग्राम ली थी, यानी कि 3 पाव होती है आई थिंक, तो 1 किलो से थोड़ी सी कम होती है, 1 पाव कम होती है वो। और अब इससे जो है जो मैंने पेस्ट बनाया है दही का और पुदीना और हरदनिया का, उसमें मैंने नमक 1 टीस्पून था और 1 टेबल स्पून था और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है 1.5 टेबल स्पून था वो मिक्स कर दिया। उसके बाद उसके अंदर जो है मैंने चिकन डाल दी। चिकन डालने के बाद आप इसको अगर 1.5 आवर जो है मैरिनेट करके रखेंगे ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और फौरी भी बना लें तो कोई मसला नहीं। इसके बाद एक पैन में 5 से 6 चम्मच जो है टेबल स्पून जो ऑयल डाल दें आप और उसके बाद जो ये मैरिनेट किया हुआ जो है अपने चिकन है वो इसके अंदर डाल दें।
आप फुल फ्लेम पे बनाएंगे तो 5 से 6 मिनट में ये तैयार हो जाती है, और अगर जो है आप मीडियम फ्लेम पे बनाएं तो ये है कि 10 मिनट से 12 मिनट जो है वो लगते हैं। तो मैं जल्दी क्विक वाली जो बनाऊंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम था, मुझे इसके बाद जो है वो हलवा भी बनाना था, तो इस वजह से मैं जो फुल फ्लेम पे बना के और जल्दी से जो है वो डिनर रेडी कर लूँगी। तो बस ये मैं इसको फुल फ्लेम पे जो है फटाफट इसको इसका पानी ड्राई करूँगी, और इसके बाद इसके अंदर जो है बाकी मसाले जो रह जाते हैं वो डालूँगी। पानी अच्छी तरीके से ड्राई कर लें आप बिल्कुल, और उसके बाद जो है काली मिर्च जो है 1/2 टीस्पून है, तो वो आप इसके अंदर थोड़ी सी कुटी और पिसी जो होती है ना उस टाइप की काली मिर्च जो है वो आप इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून जो है वो उसमें काली मिर्च डाल दें। थोड़ी सी जो है बिल्कुल बारीक ना हो, थोड़ी सी मोटी मोटी हो, तो वो इसके अंदर आप डाल दें। देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, और अब इसको अच्छी तरीके से भून के और लास्ट में जो है वो इसमें जो है आप फ्रेश क्रीम जो है वो आप डाल दें। जब फ्रेश क्रीम डालें तो जो है फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर दें तो ज़्यादा इसका जो है बेहतर है। फ्लेम मैंने ऑफ करके इसमें जो है फ्रेश क्रीम 2 टेबल स्पून जो है फ्रेश क्रीम मैंने इसमें मिक्स कर दी। और अब आप इसके अंदर 1/2 लेमन इसके यूज़ करने के बाद जो है आप एक जो है कोयला जो है वो छोटा कोयला जो है चूल्हे पर रख दें, और डिश आउट करने से पहले जो है थोड़ा सा इसको स्मोक दे देंगे तो ये बहुत अच्छे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगी। इसको तंदूर की रोटी या नान के साथ सर्व करेंगे तो वो बहुत मज़े का बहुत यूनिक सा टेस्ट लगेगा इसका। स्मोक देने से वैसे भी टेस्ट जो है वो डेवलप हो जाता है, चीज़ों का अच्छे खाने का टेस्ट चेंज हो जाता है। तो बस मैं यहाँ स्मोक दूंगी, और यहाँ का व्लॉग मेरा जो है आज का व्लॉग मेरा यहीं ख़त्म होता है, और जो है आज की रेसिपी मैंने आपसे शेयर करी। थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।